नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सुबह के करीब 7 बज रहे हैं, 7 या 7:30 बज रहे होंगे, और किचन में आई हूँ, नाश्ता बनाऊंगी। तो हम लोगों को बाहर जाना है, मतलब आज हमारे जेठानी जी की हल्दी का रस्म है। हल्दी है आज, मतलब बढ़ारा जिसे बोलते हैं, माड़ो परना, तो आज माड़ो परेगा, तो वहीं पे जाना है। खाना पीना भी वहीं पे है, तो सुबह नाश्ता बनाना है, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो चाय के साथ कुछ नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा। तो नाश्ते में आज मैं गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। और वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और चलिए पकौड़ी बना लेते हैं और आप लोग भी देख लीजिए किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बोलने में या वीडियो बनाने में, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं पकौड़ी। तो देखिए दोस्तों, हमने गोभी को उबालने के लिए रख दिया है और ये उबल चुकी है। तो दोस्तों देखिए, हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। गोभी को उबाल लिया है। अगर आप गोभी को उबालना चाहते हैं तो उबाल सकते हैं, नहीं तो कच्चे भी बना सकते हैं। तो उबालने से क्या होता है, गोभी थोड़ा पक जाता है और जल्दी से पक, मतलब फ्राई हो जाता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इसमें देखिए, हमने लिया है हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और बेसन है और चावल का आटा है, इन सबका हमने बनाया है ये। तो चलिए अब हम पकौड़ी बनाते हैं, इसको इसमें डुबो देंगे। तो चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों हम सारे गोभी को इसमें डाल देंगे तेल में फ्राई के लिए। अब इसको पलट देंगे। तो दोस्तों अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल से रेडी। अब दूसरा धान भी फ्राई कर लेंगे दोस्तों इसी तरीके से। सॉरी, मैं अच्छे से बोल नहीं पाई। तो नाश्ता सबका हो चुका है, बर्तन भी हमने धुल दिए हैं। ये देखिए, बर्तन भी चाय के सारे धुल चुके हैं, गैस भी साफ हो चुकी है और यहाँ पे पोछा भी लग चुकी है। देखिए ऊपर फैन चल रही है ताकि अच्छे से फर्श सूख जाए, और कपड़ा भी लग चुकी है मशीन में। अब हमें रेडी होकर वहाँ पर जाना है। तो चलिए अब मिलेंगे आप लोगों को वहीं पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो देखा करिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ दोस्तों। आप लोगों वीडियो नहीं देखते हो, अगर मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
आपकी इस बहन का सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, अब वहीं पे हम आप लोगों को मिलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ खाना खाने। मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे, देख सकते हैं अगल बगल, तो सभी हमारी देवरानी जेठानी हैं और सब लोग मतलब घर के ही लोग हैं। तो यहाँ मैं बैठ करके खाना खा रही हूँ और सामने मेरा मतलब जेठानी का बेटा है, तो वही मुझसे बातें कर रहा है, उससे मैं बातें भी कर रही हूँ और वीडियो आरुषि बना रही है। तो अगर कोई भी गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी उसे कुछ भी पता नहीं है दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दूसरा दिन है नेक्स्ट डे, और कल वीडियो स्टार्ट किया था तो शाम को थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लिया था और वहीं से फिर मैं आ रही हूँ। और आज है 30 नवंबर और आज शादी का दिन है। आज हम लोगों को बाहर निकलना है अभी थोड़ी देर में, तो हमने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ले, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा आप लोगों से बातें करने के लिए, तो वही मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो कल मतलब आज के दिन ये वीडियो कल जाएगा, और आज के दिन जो वीडियो हमने डाला था तो उसी टॉपिक में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो उस टॉपिक पे मैं यही बातें करूँगी कि देखिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, नहीं तो। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ लोग बैठ कमेंट किए हैं जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, और ये कमेंट संगीता के वीडियो पर आया था और एक कमेंट मेरे वीडियो पर भी आया था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और संगीता को आप लोग जानते हैं, उसे एडिटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इस वजह से मैं उस टॉपिक पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट देख लीजिए। जो ये किया है, जो कर रहे हैं, और जो लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग समझ गए होंगे। मुझे इससे ज़्यादा प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझने वाले समझ गए होंगे। मैं वही बोल रही हूँ कि नाम लेना ज़रूरी नहीं है। अगर संगीता चाहेंगी बोलेंगी तो मैं नाम ज़रूर लूँगी, लेकिन उसी की वजह से मैं नाम नहीं ले रही हूँ। और संगीता, मैं तुमको एक बात बोल रही हूँ, तो मेरी बातें ध्यान से सुनना, और मेरी बातों से अगर तुमको अच्छा लगे तो इस बारे में तुम गौर करना। तो संगीता सुनो, अगर तुम उनका साथ और सपोर्ट दे रही हो तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा मत करो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि तुम वीडियो उनका देखती हो तभी तुम्हें ये सब चीज़ें पता चलता है। तो मैं बोल रही हूँ ऐसे लोगों की वीडियो देखना बंद करो, और खाम खा तुम टेंशन लेती रहती हो तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, और अपने काम पर ध्यान दो। और तुम जैसी भी वीडियो बनाती हो बहुत अच्छी बनाती हो, और बिल्कुल भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, जनता तुम्हारे साथ है, तुम्हारा स्थिति परिस्थिति हम सब देख चुके हैं कि कोई इसमें दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ना ही बताने वाली चीज़ है कि तुम क्या हो और क्या करती हो। किसी के वीडियो में जा करके हम किसी का बात सुन करके ये नहीं सोचेंगे कि संगीता ऐसा करती है ना। तो मैं यही कहूँगी, तुम वीडियो उन लोगों का देखना बंद करो जो तुम्हारे बारे में बुराइयाँ करते हैं, तुम्हारे नाम से चाहते हैं कि मैं फेमस हूँ। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, और ऐसे लोगों का बिल्कुल भी नाम अपने चैनल में मत लेना ताकि वो फेमस हों। तो यही है हमारा सुझाव, इस सुझाव पर तुम गौर करना, और तुम अपने काम पर ध्यान दो, और अपने मेहनत से अपने लगन से वह तरक्की करो, यही हमारी दुआ है। और ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि देखिए ये YouTube है, YouTube पर हर कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है, और चाहे उसको मतलब बुरा लगे या अच्छा लगे, तो वो लोग बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि इनके बारे में ऐसा बोलूँगी तो क्या होगा। तो ऐसा बहुत ही कम लोग सोचते हैं, संगीता नहीं तो यहाँ सब मतलब अच्छाई का ही फायदा उठाते हैं, तो तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारा हर कोई फायदा उठाता है। तो मैं यही का मेहनत बर्बाद नहीं करना है, और सब लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, तो सब लोगों को मेहनत करने दो और अपने काम से काम रखो,
तो इस वजह से संगीता चुप है। यह मत सोचना कि तुमसे वो डरती है, और बिल्कुल भी वो डरती नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं डरेगी, क्योंकि इन लोगों जनता जनार्दन लोगों ने उन्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्रेम दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो जनता लोग आप पर भड़केंगे, ये बात समझ लो। और कोई भी बुराई संगीता के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे, आपको पता हो गया होगा। तो यही बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं वीडियो में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, इसलिए आपको भी ये बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए कि मेरे बारे में बोल रही हैं। जो ये किए होंगे उन्हीं को ये बातें बुरी लगेंगी, है ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, और फिर बोल रही हूँ ये संगीता चाहती है कि नाम ना लो, तभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ। ऐसे मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो नाम ले सकती हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मेहनत करते हैं। अपने काम पे ध्यान रखो, और किसी की बुराइयाँ करना बंद करो, किसी की कमजोरियों का फ़ायदा मत उठाओ, और आप बिल्कुल से उसे ब्लैकमेल करना बंद करो कि हम ब्लैकमेल करेंगे तो अपने चैनल में वो मेरा नाम लेंगी, तो ऐसा मत करो, और ऐसा मत सोचो कि वो डर जाएगी और आपका नाम ले लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और उसे ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, मेरा यही बस सुझाव है आपसे। और मेरी बातें अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और मैं उन्हीं लोगों को बोल रही हूँ जो लोग संगीता को मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, उसे जगह जगह पर उसकी घिसाई कर रहे हैं, उसको मतलब कमज़ोर साबित करना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों को मैं ये बातें सुना रही हूँ। और तो आप लोगों तो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हो, मुझे सपोर्ट करते हो, संगीता को भी सपोर्ट करते हो, और आप सबका ही प्यार और सपोर्ट ही है जो हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो बस यही दुआ है हमारी कि संगीता जहाँ भी रहे अच्छी रहे, खुश रहे, और अपने मेहनत पर अपने लगन से अपना काम करे, और उसके जीवन में जो भी दुख तकलीफ हो वो सब कट जाए, मेरी तो यही दुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। और हाँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, और जिन लोगों को बुरी लगी होगी उन लोगों को मैं क्या बोलूँ, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।